यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार सीमा पार पर सीज फायर का उल्लंघन और गोलीबारी कर रहा है। बुधवार रात को जम्मू कश्मीर के आरसपुरा अरनिया इलाके में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की गई। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। साथ ही 200 किलोमीटर के एरिया में रेड अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार भारतीय जवानों ने जवाब में गोली चलाई। देर रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला जख्मी हो गई। भारत और इसराइल की बढ़ती दोस्ती पड़ोसी पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की गहरी दोस्ती को पाकिस्तान ने फिलिस्तीन और कश्मीर से जोड़ दिया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोनों देशों के नजदीकियों के पीछे इस्लाम और मुस्लिमों के प्रति उनकी दुश्मनी को वजह करार दिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसराइल और भारत का साथ आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि दोनों मुल्क इस्लाम और मुस्लिमों की दुश्मनी के नाते एक जैसे हैं। दोनों देशों का ताल्लुक बहुत पुराना है। चुनाव आयोग आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग ने हाल ही में इस मुद्दे पर बैठक की थी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें, चुनाव से पहले आयोग ने सभी औपचारिक कवायद पूरी कर ली है। इसमें अधिकारियों के साथ बैठक से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा भी किया जा चुका है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के दौरे पर। दोनों देशों के नेता एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो के जरिए पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी, इजरायली पीएम और उनकी पत्नी साबरमती आश्रम भी गए। हाल ही के दिनों में ये दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी किसी विदेशी नेता के साथ रोड शो करेंगे। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी पीएम ने रोड शो किया था। इजरायली पीएम ने अपनी पत्नी के साथ गांधी आश्रम में चरखा चलाया। पीएम मोदी ने उन्हें पूरा आश्रम घुमाया। पीएम ने इजरायली पीएम और उनकी पत्नी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में समझाया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोधपुर में एयरफोर्स बेस से सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वो पहली महिला रक्षा मंत्री हैं जिसने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इससे पहले 25 नवंबर 2009 में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पुणे में सुखोई से उड़ान भर चुकी। सुखोई वायुसेना का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। हाल ही में सीतारमण ने गोवा में देश के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य का जायजा लिया था। इसके पीछे निर्मला सीतारमण की कोशिश सेना के अलग अलग अंगों की कार्यप्रणाली और तैयारी को समझना है। देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की उड़ान करीब 45 मिनट की रही। कनाडा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मीडिया में सुर्खियां बन चुके सिख जगमीत सिंह ने सगाई कर ली। भारतीय मूल के जगमीत सिंह को पिछले साल कनाडा की तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया। युवा राजनेता जगमीत सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गर्लफ्रेंड गुरकिरण कौर के साथ सगाई की तस्वीरें शेयर की। गुरकिरण कौर पेशे से फैशन डिजाइनर है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
जगमीत ने ओंटेरियो के पास एक निजी पार्टी के दौरान गुरकिरण कौर को प्रपोज किया। हरियाणा में पिछले 5 दिन में रेप की 6 वारदातों ने राज्य के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस बीच हरियाणा पुलिस के एडीजी आरसी मिश्रा ने शर्मनाक तरीके से रेप को समाज का हिस्सा बताते हुए कह दिया कि इस तरह की घटनाएं अनंत काल से होती चली आ रही है। पुलिस अधिकारी के इस बेशर्म बयान से लोगों की सुरक्षा पर सवाल या निशान लग गया। फरीदाबाद में एक गाड़ी में अगवा कर लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के जुरहेड़ा से दोनों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही गाड़ी भी बरामद कर ली गई। दोनों आरोपी मेवात के रहने वाले बताए गए। तेरह जनवरी को यह पूरी वारदात हुई थी जब 22 वर्षीय लड़की को अगवा कर उससे गैंगरेप कर आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद लगातार हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। हरियाणा से करनाल के छात्र मोहित ने सीए की परीक्षा में देश भर में टॉप किया है। एमकॉम पास मोहित ने 800 में से 587 अंक हासिल करते हुए सबसे आगे रहे। मोहित ने बताया कि उसके छोटे भाई शुभम ने 44वां रैंक हासिल किया। वहीं बुधवार देर शाम करनाल में मनोज की मां संतोष गुप्ता को जब ये पता चला कि उनके दोनों बेटों ने सीए की परीक्षा पास कर ली है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मोहित दिल्ली से अपने घर करनाल पहुंचा तो सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मोहित का जोरदार स्वागत किया। मलेशिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पेपरलेस कार्यप्रणाली खूब भाई है। मलेशिया की संसद में भी हिमाचल की ई विधान प्रणाली से काम होगा। मलेशिया के संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शिमला में विधानसभा की ई विधान प्रणाली को जानने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। ई विधान प्रणाली समझने के लिए मलेशिया की संसद का प्रतिनिधिमंडल वहां के स्पीकर पादिकर आमीन की अध्यक्षता में विधानसभा पहुंचा था। शिमला में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनकी अगवानी की। विधानसभा के अधिकारियों ने पेपरलेस ई विधान प्रणाली के संबंध में सांसदों को बताया। वहीं पादिकर आमीन ने कहा कि वे यहां विधानसभा की पेपरलेस वर्किंग प्रणाली को देखकर प्रभावित। उन्होंने इस संबंध में राजीव बिंदल से भी बात की। वे इस प्रणाली को संसद में तत्काल शुरू करने के इच्छुक हैं। वहीं राजीव बिंदल ने कहा कि मलेशिया के सांसदों को यहां की विधान प्रणाली अच्छी लगी। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहा शुष्क मौसम का दौर खत्म होने वाला है। 23 जनवरी से मौसम विभाग ने राज्य के अनेक स्थानों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं की सक्रियता से राज्य में बारिश और बर्फबारी के आसार बने। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 22 जनवरी तक तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 23 जनवरी को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके प्रभाव से राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में अनेक स्थानों पर बारिश, जबकि मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बुधवार को भी शिमला समेत राज्य के अधिकांश स्थानों में आसमान साफ बना रहा। बुधवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मंगलवार को 9.4 डिग्री था। बीते कुछ दिनों से शिमला का न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इससे यहां सर्दी से राहत मिल रही है।